खास फेस क्वाच और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के बाद छठे चरण के लिए 25 मई को वोटिंग होगी। छठवें चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होगी और ये चरण कई मायनों में खास है क्योंकि कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है और इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्ण पाल और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में है। 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल भी चुनाव लड़ रही है और इन सबका भाग्य का फैसला इसी चरण में होना है। आज हमारी खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि इतिहास और बादशाहत दोहराने की लड़ाई उतरे कई दिग्गज इस कड़े इम्तिहान में कितना कामयाब हो पाएंगे। पर मतदान हो गया है। 25 मई तक कुल 487 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। आखिरी और सातवें फेज में 56 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार 8 सीटें, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज एससी, सीवान और महराजगंज। हरियाणा 10 सीटें, अंबाला एससी, कुरुक्षेत्र सिरसा एससी, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद। जम्मू और कश्मीर 1 सीट, अनंतनाग, राजौरी। झारखंड 4 सीटें, गिरिडीह, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। दिल्ली सभी 7 सीटें, चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली एससी, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। ओडिशा 6 सीटें, संबलपुर, क्योंझर, ढेंकनाल, पुरी, भुवनेश्वर और कटक। उत्तर प्रदेश 14 सीटें, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, लालगंज एससी, आजमगढ़, जौनपुर, मछली नगर एससी, बधोई, श्रावस्ती और बस्ती। पश्चिम बंगाल 8 सीटें, तमलुक, कांथी, घाटल, झारग्राम एसटी, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और विष्णुपुर। छठे चरण में महत्वपूर्ण सीट और उम्मीदवार। उत्तर पूर्वी दिल्ली, मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी ने मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस के कन्हैया कुमार उन्हें टक्कर दे रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के मनोज तिवारी को 5,96,125 वोट के साथ 45.25% मत मिले थे। उन्होंने आपके उम्मीदवार प्रोफेसर अनंत कुमार को पराजित किया था।
नई दिल्ली, बांसुरी स्वराज वर्सेस सोमनाथ भारती। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी ने पूर्व मंत्री और भाजपा नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आपने सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने इस सीट से आपके आशीष खेतान को पराजित किया था, लेकिन बीजेपी ने इस बार बांसुरी स्वराज को उनकी जगह टिकट दिया है। सुल्तानपुर, मेनका गांधी वर्सेस रामभुआल निषाद। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। उनके खिलाफ सपा ने रामभुआल निषाद को मैदान में उतारा है। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से मेनका गांधी ने बसपा के चंद्र भद्र सिंह को पराजित किया था। वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा और धर्मेंद्र यादव सपा के बीच मुकाबला होगा। अनंतनाग राजौरी महबूबा मुफ्ती। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर महबूबा मुफ्ती JKPDP, JKNC के मियां अल्ताफ लारवी और JKAP के जफर इकबाल खान मनहास के बीच मुकाबला है। इस सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन इसे टालकर छठे चरण में कर दिया गया है। तमलुक अभिजीत गंगोपाध्याय। पश्चिम बंगाल की तमलुक लोकसभा सीट पर बीजेपी ने रिटायर्ड जज अभिजीत गंगोपाध्याय को उम्मीदवार बनाया है, जबकि TMC ने उनके खिलाफ देबांगशु भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है। अभिजीत गंगोपाध्याय हाल में न्यायाधीश पद से इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। करनाल मनोहरलाल खट्टर। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धि राजा, NCP सपा ने वीरेंद्र मराठा और JJP ने देवेंद्र कादियान को मैदान में उतारा है। इस सीट पर साल 2019 में बीजेपी के संजय भाटिया ने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को पराजित किया था। कुरुक्षेत्र नवीन जिंदल। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी ने उद्योगपति नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है। आपने सुशील गुप्ता और इनेलो ने अभय चौटाला को मैदान में उतारा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के निर्मल सिंह को पराजित किया था। पुरी संबित पात्रा। पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने संबित पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। BJD के अरूप पटनायक और कांग्रेस से जय नारायण पटनायक उनके खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। 2019 के लोकसभा में BJD के पिनाकी मिश्रा से संबित पात्रा पराजित हुए थे। संबलपुर धर्मेंद्र प्रधान। ओडिशा के संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ BJD के प्रणव प्रकाश दास मैदान में है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नितेश गंगा देव ने BJD के नलिनी कांता प्रधान को पराजित किया था। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे होने के बाद अब छठे चरण की बारी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या नेता सीटों को लेकर चुनावी दावे से क्या मतदाताओं का रुझान बदल पाएगा? क्या हवा और हवा का रुख बदलने के लिए किए जा रहे दावे विपक्षी दलों को मदद कर पाएंगे? और क्या आखिरी के 2 चरणों का चुनाव मुद्दों से ज्यादा दावों पर ही लड़ा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर चुनाव है। 2019 में इन 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 9 सीटें ही जीती थी, जबकि 5 सीटें उसे हार का सामना करना पड़ा था। बसपा 4 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी और सपा दोनों ही एक दूसरे के राह में कांटे बिछाने का काम कर रही है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। देश में सियासी तौर पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जो आबादी और लोकसभा सीट दोनों ही लिहाज से है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर शनिवार को मतदान है। बीजेपी के लिए पिछले चुनाव में सबसे कठिन चरण यही रहा था, जहां पर विपक्ष ने कांटे की टक्कर दी ही नहीं बल्कि 5 सीटें भी जीतने में कामयाब रही थी। जातीय बिसात पर खड़े पूर्वांचल में सपा ने गैर यादव OBC का दाव चला है, तो बीजेपी ने भी सवर्ण कार्ड खेला है। इस तरह बीजेपी और सपा दोनों ने ही एक दूसरे की राह में कांटे बिछा दिए हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर चुनाव है।
सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही सीट शामिल है। 2019 में इन 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 9 सीटें ही जीती थी, जबकि 5 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। बसपा 4 सीटें श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज और जौनपुर जीती थी और सपा 1 सीट आजमगढ़ ही जीत सकी थी। इस तरह से बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका था। हालांकि सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग हैं। कांग्रेस सपा मिलकर जरूर चुनावी मैदान में है। सपा ने बिछाई ओबीसी की बिसात। छठे चरण की सियासी पिच पर सपा और बीजेपी दोनों ने ही जातीय की बिसात बिछा रखी है। छठे चरण की 14 में से 12 सीट पर सपा चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस इलाहाबाद में और टीएमसी भदोही सीट पर किस्मत आजमा रही है। सपा ने एक को छोड़कर ज्यादातर सीटों पर गैर यादव ओबीसी प्रत्याशी को उतारकर बीजेपी की राह में कांटे बो दिए हैं। सपा ने केवल एक डुमरियागंज में ही अगड़ी जाति का प्रत्याशी उतारा है, बाकी सभी सीटों पर उसने पिछड़ों और दलितों को टिकट दिया है। सपा ने श्रावस्ती, बस्ती, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर सीट पर कुर्मी समुदाय से प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि संत कबीर नगर और सुल्तानपुर सीट पर निषाद जाति के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा फूलपुर और जौनपुर में मौर्य समाज के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इस चरण में लालगंज और मछली शहर दोनों ही सुरक्षित सीटें हैं, जहां पर पासी समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं। आजमगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि डुमरियागंज सीट पर अगड़ी जाति के भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी को टिकट दिया है। इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों कांग्रेस ने इलाहाबाद में भूमिहार बिरादरी के उज्जवल रमन सिंह और भदोही में तृणमूल कांग्रेस ने ललितेश पति त्रिपाठी को उतारा है। बीजेपी का सवर्णों पर दाव। बीजेपी छठे चरण की सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर सियासी रणभूमि में है। बीजेपी ने इस चरण की 12 सामान्य सीटों पर अधिकांश अगड़ी जातियों से प्रत्याशियों को टिकट दिया है। सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, इलाहाबाद और बस्ती सीट पर बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट दिए हैं, जबकि जौनपुर और डुमरियागंज सीट पर ठाकुर बिरादरी के प्रत्याशी उतारे हैं। आजमगढ़ में यादव, प्रतापगढ़ में तेली, फूलपुर में कुर्मी, जबकि संत कबीर नगर और भदोही में मल्लाह समुदाय का प्रत्याशी दिया है। सपा की नई सोशल इंजीनियरिंग। उत्तर प्रदेश में पिछले कई चुनावों से सपा गैर यादव पिछड़ों की गोलबंदी कर बड़ी सफलता हासिल करती आ रही। बीजेपी के सामने सपा की इस नई व्यूहरचना के चलते परेशानी खड़ी हो गई है। सपा की ओर से बड़ी संख्या में गैर यादव पिछड़े प्रत्याशियों के मैदान में उतरने के बाद अब बीजेपी को अपने पुराने समीकरण बिगड़ने की आशंका है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वोटों को अपने पाले में करके 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव जीते थे, जिसमें कुर्मी, मल्ला और मौर्य बीजेपी के हार्ड कोर वोट माने जाते रहे हैं। सपा ने बीजेपी के ब्राह्मण और ठाकुर कैंडिडेट के सामने गैर यादव ओबीसी का दाव चला है। सपा ने पीडीए फॉर्मूले को पूरी तरह से जमीन पर उतारने की कोशिश इस चुनाव में की है, जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन गई है। बीजेपी कैसे पार पाएगी छठा चरण। बीजेपी अपने सवर्ण वोट बैंक को सादे रखते हुए ओबीसी और दलित वोटों को जोड़ने की रणनीति पर छठे चरण में काम कर रही है। छठे चरण में पिछड़ों के असर को देखते हुए भाजपा की ओर से चुनाव प्रचार में बड़े पैमाने पर सहयोगी दलों के पिछड़े नेताओं के साथ ही अपनी पार्टी के भी इस वर्ग के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और नेताओं का प्रयोग किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को यादव बहुल जौनपुर, आजमगढ़, फूलपुर में लाया गया है, तो निषाद बहुल सुल्तानपुर, भदोही और अंबेडकर नगर में निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद की जनसभाएं कराई गईं।
राजभरों की अधिक तादाद वाले आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर और बस्ती में सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की रैलियां रखी गई थी। जौनपुर में जहां इंडी गठबंधन ने मौर्य कुशवाहा समुदाय के प्रभावी नेता बाबू सिंह कुशवाहा को उतारा है, तो बीजेपी ने महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य की रैली कराकर सियासी समीकरण साधने की कवायद की है। बीजेपी ने जनवादी क्रांति पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान को अपने पाले में लाने में सफलता प्राप्त की है और अब उनकी सभाएं नोनिया बिरादरी की अच्छी तादाद वाली सीटों लालगंज, भदोही, जौनपुर, संत कबीर नगर व आजमगढ़ में रखी गई। इसके अलावा जौनपुर में धनंजय सिंह को भी बीजेपी ने अपने साथ मिलाकर जौनपुर और मछली शहर सीट पर लगाया है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और सुने हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।